हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा अच्छे हों। और ये है छोटी होली वाला दिन और मैं यहाँ पे आई हूँ पूजा करने के लिए। शाम के वक्त मतलब होलिका जी की पूजा होती है ना, तो रात में हम लोग पूजा करने के लिए आए। और मेरे साथ आई है मेरी नंद की छोटी बहू। हम सभी लोग आए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पे दिखेगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और महाराष्ट्र में मतलब अलग तरीके से थोड़ा सा होता है पूजा। मतलब रीति रिवाज तो हैं सेम, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि गांव में क्या होता है कि हम लोग क्योंकि गाँव में सिर्फ एक ही होली लगाई जाती है जिसमें होलिका माता को बैठाया जाता है, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है और उस पर उनकी गोदी में प्रहलाद जी को बैठाया जाता है और फिर पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये लोग क्या करते हैं और हम लोगों में क्या होता है गांव में कि होली का जो डंडा होता है गाड़ा जाता है वो बसंत पंचमी में ही गाड़ा जाता है। और इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने अभी शाम को ही ये मतलब पेड़ लगाया है और दो जगह लोगों ने लगाया है। एक जगह मतलब पूरा हरा भरा पेड़ है और दूसरी जगह एक सूखा पेड़ लगाया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एक प्रहलाद जी होंगे और एक हैं होलिका माता। तो और थोड़ा सा ये लोग डिफरेंट तरीके से भी पूजा करते हैं। ये लोग पूरे पकवान भी वहाँ पर चढ़ाते हैं और हम लोगों में इतना ज़्यादा पकवान नहीं चढ़ाया जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले जो हरा भरा पेड़ था प्रहलाद जी उनकी पूजा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे होलिका जी की पूजा करी है। और ये लोग क्या करते हैं, दीपक भी जलाते हैं लेकिन हमारे में दीपक नहीं जलाया जाता है गांव में। और मैं यहाँ पे भी दीपक नहीं जलाती हूँ, यहाँ पे तो मैं पूड़ी और पूए से पूजा करती हूँ, हल्दी और कच्चा सूत, हल्दी और चने की दाल से हम लोग पूजा करते हैं और परिक्रमा देते हैं इसकी। और उसके बाद अपने गांव में तो रात में ही होली एक ही बार सिर्फ आग लगाई जाती है और यहाँ पे ये लोग अभी सब लोग दीपक जला जला के पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा। तो खैर ये सब तो चलता है, अपना अपना रिवाज होता है बस। लेकिन ये अच्छा लगता है कि मतलब अभी भी हमारे देश में ये सब बना हुआ है, मतलब सब लोग रीति रिवाज कितना मानते हैं और अच्छा भी लगता है बहुत और होना भी चाहिए क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति। और वही है, जैसे हम करेंगे ऐसे हमारे बच्चे सीखेंगे, वो ऐसी परंपरा को बनाए रखेंगे और अच्छा भी लगता है। और ये सब तो सिर्फ अपने देश में ही देखने को मिलता है, हिंदुस्तान में ही, और कहीं तो होता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, और होता है ही नहीं। पहली बात तो ये हिंदुस्तान के ही रीति रिवाज है और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए लोग गूंजे पापड़ सब चढ़ा रहे हैं। वैसे बनाए तो मैंने भी हैं क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने उसका वीडियो तो ले नहीं पाई क्योंकि उस दिन बहुत काम होता है, वीडियो तो बना ही नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि कैसे बनाऊँ, बहुत काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने भी बहुत कुछ बनाए थे, गूंजे पापड़ मट्ठी वगैरह सब कुछ बनाया है मैंने, तो पूरा दिन मेरा बिजी था। और यहाँ देखिए सब मराठी औरतें और बहुत अच्छे से सज धज के आती हैं यहाँ पे। और ये है होली का होली वाला दिन, तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत हो रही है कान्हा जी की होली से। आज भी रज में होली रे रसिया, हो 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 होली रे रसिया, जोरी रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया।
और फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने फिर कान्हा जी के साथ होली खेलने के बाद पूजा करी। पूजा वूजा करके फिर हम लोग ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाया और फिर मैं नीचे आ गई अपनी नंद के घर पे। और यहाँ देखिए हम लोग ने एक दूसरे को गुलाल लगाने के बाद थोड़ा डांस वांस और मस्ती की। और यहाँ देखिए हम लोग सब डांस वांस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी होली।